नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। जब नदी को पार करने के लिए बैल की पूंछ के भरोसे बाट जोते हैं, फिर ऐसे लोगों से तैराकी की कला सीखने की उम्मीद बेफजूल है। यूं भी इन लोगों को एक ही कला आती है, वह है मदरसों की दीवारों पर सिर पटकना, बिना दुम वाली तशरीफ को भारत की तरफ करके जोर से मटकना। कुछ लोग जो यह कह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क को रोमी और अपाचे की डील से दौरे आ रहे हैं, वे कहीं ना कहीं अधूरी गलतफहमी का शिकार है। इनकी हालत देखकर यही लगता है कि जो दो पग वाले टिड्डी दल का मुकाबला नहीं कर सकते, वे रोमियो के सामने कीमियो कैसे कर पाएंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम कट्टो मुर्गी गधे की कथा सुनाते सुनाते अब टिड्डी पर उलझ पड़े हैं। पिछले महीने ही पाकिस्तान ने इस दो पंखी जीव के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया है। देश में टिड्डी दल से लड़ने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं होने के चलते इमरान लोंडे द्वारा यह कदम उठाया गया। पर चूंकि बैल की पूंछ के बिना इनमें नदी पार करने की कुव्वत नहीं है, इसलिए अब इस मुल्क में बत्तखों का आगमन होने जा रहा है। यानी पाकिस्तान में टिड्डी दल से बचने के लिए बत्तखों का सारा लिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि ये बत्तखें भी चीन से आयात की जाएगी, जो लगभग 1 लाख की तादाद में पाकिस्तान भेजी जाएगी, जिसके लिए चीन प्रति बत्तख $18 वसूल करेगा। लेकिन इसके बावजूद लोग सवाल उठा रहे हैं कि टिड्डी दल से तो बत्तख बचा लेगी, पर भारत ने अमेरिका के साथ अपाचे और रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए 21,000 करोड़ की जो डील की है, वह पाकिस्तान के लिए कितनी भारी पड़ेगी। दरअसल पाकिस्तान अभी भी घबराहट में है कि भारत द्वारा हथियारों पर खर्च किया जाने वाला पैसा उसी के बजाने की खातिर हो रहा है। यानी ढोल किसी के लिए बजते हैं, तहमत उठाकर नाचना ये शुरू कर देते हैं। शायद इसलिए भारत और अमेरिका के रक्षा सौदे से उसकी नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की सरकार जो ट्रंप के बयान पर पीठ थपथपा रही थी, अब उसने यू टर्न ले लिया है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि ट्रंप एक नबरी सरताज निकला, जो उनके कोड में खाज का चूर्ण लगा गया। यानी टिड्डी दल से ज्यादा भय अपाचे और रोमियो को लेकर है। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा है कि इस रक्षा सौदे से क्षेत्र में हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी, जो क्षेत्र की शांति के लिए ठीक नहीं है। पर सवाल यह भी है कि जिस मुल्क के कछाले में गेहूं के दाने तक नहीं है, वह भारत की होड़ कैसे करेगा। होड करने के लिए तशरीफ में दम और रकम दोनों चाहिए, जो इस वक्त पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है। इस देश के वजीर आजम की सलवार भीख मांगते मांगते घिस चुकी है। कल बड़ी मिन्नतों के बाद IMF से $45 करोड़ की किस्त पर बात बन पाई। दरअसल अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर को पठान एयरबेस पर तैनात किया गया है। यहां से सटी पाकिस्तानी सीमा पर अक्सर तनाव रहता है। इस हेलीकॉप्टर की खूबी यही है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आता। इसमें 16 एंटी टैंक मिसाइल छोड़ने की क्षमता होने के साथ इसमें नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती है। पाकिस्तान की चिंता यह है कि भारत इस हेलीकॉप्टर के द्वारा बड़ी आसानी से उसके सैनिकों को निशाना बना सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत कोई मिसाइल लॉन्च करके POK में स्थित लॉन्चिंग पैड को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका से भारत को मिले ये अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर पाकिस्तान के खिलाफ ही दिए गए हैं। संभवतः कल तक ट्रंप के पाकिस्तान की तारीफ वाले बयान पर गदयन तक करने वाले आज गूंगे बहरे बने हुए हैं। वैसे भी मदरसों में ढीली हुई इनकी बुद्धि में बात देर से ही पल्ले पड़ती है। खास बात यह है कि अपाचे और रोमियो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अफगानिस्तान इराक में अमेरिका ने जमूरों के खिलाफ ही किया है। ऐसे मिशन में यह हेलीकॉप्टर बड़ी भूमिका निभाते हैं। कहने वाले तो यही कहते हैं कि इमरान से यारी की बात कहकर ट्रंप ने पाक का झुंझुना भी बजवा दिया और भारत को अपाचे रोमियो की शक्ल में वो हथियार भी दे गए, जो पाकिस्तान की खबर बढ़िया से ले सकेगा। अब पाकिस्तान की मुश्किल यही है कि वे ट्रंप को यार के रूप में ले या मक्कार के रूप में। अब पाकिस्तान को यही लग रहा है कि भारत को मिले इन दोनों सुरमाओं का टारगेट केवल पाकिस्तान है, क्योंकि भारत उन्हें पाकिस्तान के आसपास ही लगा रहा है। यूं भी इस साल के अंत तक LOC में बदलाव की उम्मीदें हैं। संभवतः पाकिस्तान इसको लेकर भी घबराहट में है, क्योंकि POK मिशन को सफलता के अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार अपना पलड़ा काफी मजबूत कर चुकी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।